उनकी क्लेम्स देखे हैं कि 350 टेररिस्ट किल्ड, और एक जो उनकी हाइड आउट थी उसको उन्होंने तबाह कर दिया। मैंने आप लोगों को बुलाया इसलिए था कि आप सबको मैं अपने साथ लेके जाता और ऑन ग्राउंड आपको दिखाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से मैं आपको बाई एयर अभी नहीं लेके जा पा रहा। बाय द टाइम मैं आपको बाई रोड लेके जाऊँ तो वहाँ पर अंधेरा हो चुका होगा, लेकिन जो लोकल मीडिया है कुछ चैनल्स वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने टीवी पे दिखाया भी है, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा। नॉट इवन अ सिंगल ब्रिक इन द डेब्रिस, अगर वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो वहां पे उसका मलबा होता। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कोई उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड। दिस स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी रेप्स फ्रॉम इंडिया, दे कैन कम थ्रू द ऑथराइज एंट्री इन पाकिस्तान, सी इट फॉर योर सेल्फ, गो बैक एंड टेल योर प्राइम मिनिस्टर वेर इज दैट इम्पैक्ट। झूठ के तो कोई पाव नहीं होते। इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपने देखी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। तो हमला तो आपने किया नहीं, इंट्रूजन हुई उसकी रिटेलिएशन तीन पॉइंट्स पे की। एयरफोर्स का पहला काम होता है कि जो एयरफोर्स आ रही है उसको डिनाय करे, हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया। मैंने तीन चीजें कही थी, यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस, वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड, वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर, वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड। आई सेड दैट वी विल सरप्राइज यू, वेट फॉर दैट सरप्राइज। आई सेड दैट आवर रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट, see it for yourself, the response will come, and response will come differently. In Pakistan Air Force radar. I repeat again. Indian jet violated Pakistan airspace again.
One more Indian jet detected. Area, Bhimba. Target is moving. I repeat. Target is moving. Emergency. Indian jet's audio signals received. I repeat. Audio signals received. Oh, we're getting 32 still coming on. Counters reset. Hydraulic panel. Check set. Oil quantity. 18 or better. APU. It's running. Fire and smoke detection. Test. Air conditioning pressurization. Check set. Ram air inlet switch. Normal close. Vent panel. Check blower off. Test panel. Normal off. Hello JF-17 Thunder, hello JF-17 Thunder, are you ready to take off? Main take off ke liye taiyar hoon. I am ready to take off. Pakistan Air Force jets are ready to take off. Hello, J17.
Hello, JF-17. Are you listening? Lock the target. Lock the target now and fire the missile. SU-30 ko lock kare. Lock SU-30 now and fire the missile. Good, Hassan Siddiqui, good. Well done, well done. SU-30 has been shoot down. Perfect. Now engage the MiG-21 and shoot it down. Shoot them right now. Well done. Nara Takbir, Allahu Akbar. हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर खाली जगह पर अपने मिसाइल छोड़े. डोंट लेट हिम गो. MiG-21 को जाने ना दे. वी हैव टू शो देम दैट वी कैन डू. लॉक एंगेज फायर. आई रिपीट, लॉक एंगेज एंड फायर. हेलो JF-17. हेलो JF-17, आर यू लिस्टिंग? एंगेज द टारगेट. एंगेज द टारगेट. आई रिपीट, MiG-21 को engage करे. Hello sir, MiG-21 is locked. MiG-21 is engaged. Target is engaged. I repeat, target is engaged. Target is locked. Waiting for command, sir. Fire करे फौरन. MiG-21 को shoot करे. Shoot the MiG-21 down right now. Who are you? I am. Okay. Wing Commander Abhinandan. 27981. 27981. We'll be right back.
Ladies and gentlemen, thank you very much for coming to ISPR once again. आज सुबह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो मैंने समझा कि उसके ऊपर आपसे बातचीत की जाए. आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एयरस्पेस लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में 6 टारगेट्स एंगेज किए हैं. तो आज सुबह जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो टारगेट लेने थे, तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई मिलिट्री टारगेट नहीं लेंगे. दूसरा हमने डिसाइड किया कि हमारे टारगेट के एंगेज के रिजल्ट में किसी इंसानी ज़िंदगी का नुकसान ना हो. तो जब हमारे एयरफोर्स अपनी हदूद के अंदर रहते हुए जो टारगेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए थे, 6 टारगेट हमने सेलेक्ट किए, उन टारगेट्स पे हमारे पायलट्स ने लॉक किया, और फिर उसको लॉक करने के बाद थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की. मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है. मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ. मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया. उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया. इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था. मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी, तो मैंने भागने की कोशिश की. मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था. उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से. पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया. मुझे और कुछ होने नहीं दिया. फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरी जाँच हुई और मुझे और एड दिया गया. पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है. आई सी पीस इन इट. आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू.